नमस्कार, नवदेश टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सागर मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। कोरोना वायरस, इन दिनों ये शब्द चीन के साथ साथ दुनिया भर में लोगों की नींद उड़ा दिया है। पिछले 3 महीने में मौत का आंकड़ा करीब 3,000 पहुंच चुका है और दुनिया भर में 85,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। चीन के वुहान से होते हुए ये वायरस दुनिया भर के कई देशों में फैल चुका है। बीमारी अब महामारी में अब तब्दील हो चुकी है। हालात कुछ ऐसे हैं कि चीन के अस्पताल मरीजों से पूरी तरह से भर चुके हैं। डॉक्टर्स के सामने एक बड़ी चुनौती, उन मरीजों की जान आखिर बचाई कैसे जाए जो इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, परेशान हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे कि किस तरह दुनिया के लिए सबसे बड़ा कहर बनकर उभर रहा कोरोना वायरस। आपको बताएंगे चीन समेत कोरोना ने कहां कहां कहर बरपाया और इसका असर क्या हुआ अन्य देशों पर, और किस तरह ये पूरी दुनिया कोरोना से कांप रही है, थरथरा रही है। कोरोना वायरस ने चीन के साथ साथ पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है। पूरी दुनिया इस वायरस का इलाज अब ढूंढने में लगी है कि कहीं से तो मिल जाए, मगर अभी तक किसी को कामयाबी हाथ नहीं लगी। उलट ये खतरा और भी अब बढ़ने लगा है। इस वायरस के बीमारों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है और आने वाले समय में भी ये बढ़ेगी ही। लेकिन इंसानी जान के बाद कोरोना वायरस से फैली बीमारी ने अर्थव्यवस्था को भी अपनी चपेट में ले लिया। रिपोर्ट देखिए। आतंक से भी खौफनाक कोरोना वायरस, तीन हजार के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा। दुनिया भर में बचा रहा है हाहाकार। कोरोना वायरस करेगा और कितने शिकार, दुनिया भर में 85,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। कोरोना की दहशत से बाजार में भी हाहाकार। कोरोना से कैसे निपटेगी चीन की सरकार। दुनिया की महाशक्तियों में से एक चीन, जहां पर करीब पिछले 3 महीने से कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। पिछले 3 महीनों में मौत का आंकड़ा 3,000 के करीब पहुंच गया है और दुनिया भर में 85,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। लेकिन दुनिया की महाशक्तियों में से एक चीन अभी तक कोरोना के प्रकोप पर ब्रेक नहीं लगा सका। नतीजा ये है कि कोरोना अब चीन के बाहर दुनिया भर में तेजी से अपना फन फैला रहा है। भारत समेत अब तक कुल 50 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट पर है। दूसरे देशों ने चीन से आवाजाही तकरीबन बंद कर दी। हालात को देखते हुए अमेरिका समेत तमाम देशों की एयरलाइंस ने चीन की उड़ानें रद्द कर दी और चीनी नागरिकों के दूसरे देशों में आने जाने पर भी रोक है। कोरोना वायरस को लेकर भारत ने भी सख्त कदम उठाए। भारत ने भी चीन के बाद जापान से आने वाले लोगों को भी वीजा देने पर रोक लगा दी। भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है तथा नोवल कोरोना वायरस के संचरण से बचने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। हांगकांग और चीन के अलावा सिंगापुर व थाईलैंड से सभी फ्लाइटों के लिए यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया गया है और इन फ्लाइट्स की जांच को सुलभ बनाने के लिए निर्धारित एरो ब्रिज में पार्क किया जाएगा। हवाई अड्डों और पतनों में मुख्य स्थानों पर संकेत बोर्ड प्रदर्शित किए गए हैं। हवाई जहाज में घोषणाएं की जा रही हैं और सभी यात्रियों द्वारा स्वयं घोषणा प्रपत्र भरे जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का असर हुबेई प्रांत में हुआ, जिसकी राजधानी वुहान से
पिछले साल दिसंबर से ये वायरस फैलना शुरू हुआ था और फैलते फैलते ऐसा फैला कि पूरी दुनिया इसकी जद में आ गई। कोरोना की रोकथाम की कोशिशें पूरी दुनिया में जारी हैं, लेकिन अब तक इस बीमारी की दवा बनाने में सफलता नहीं मिली। इंसानी जान की बात, कोरोना वायरस से फैली बीमारी ने अर्थव्यवस्था को भी अपने चपेट में ले लिया। वायरस के कारण ग्लोबल इकोनॉमी में लगातार हाहाकार मचा हुआ है। चीन के मैन्युफैक्चरिंग पर इसका काफी असर पड़ा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हु डिपेंड्स ऑन रॉ मटेरियल टू कम फ्रॉम चाइना आर वरीड दैट सम ऑफ देम हैव बीन रिसीविंग देयर स्टॉक्स बट बिकॉज़ द नेसेसरी पेपर वर्क इज नॉट कमिंग फ्रॉम चाइना देयर स्टॉक्स आर बीइंग हेल्ड हियर इन द पोर्ट्स। द रिक्वेस्ट वाज कैन कस्टम्स टेक अ सेल्फ डिक्लेरेशन और सम काइंड ऑफ अ यू नो स्टेटमेंट फ्रॉम देम एंड रिलीज द स्टॉक्स। दुनिया भर के बाजारों में कोरोना वायरस का बुखार चढ़ गया है। चीन, जापान और यूरोप से लेकर अमेरिकी बाजारों में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय शेयर बाजार में भी इसका असर देखने को मिला। शुक्रवार को कोरोना वायरस के असर से सेसेक्स करीब 1500 पॉइंट गिरा। इस गिरावट में निवेशकों के करीब 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। कोरोना से चीन के बाहर ईरान में सबसे ज्यादा हुई मौतें। कोरोना वायरस कितना ताकतवर है, अगर इसे समझना हो तो आप ईरान का रुख कर सकते हैं। चीन के बाद ईरान ही वो मुल्क है जिसके सबसे ज्यादा नागरिक इस भयंकर और जानलेवा बीमारी की चपेट में हैं। और अब ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री इराज हरी रची भी कोरोना वायरस की गिरफ्त में आ गए। इंटरनेट पर ईरान के स्वास्थ्य उप मंत्री इराज हरी रची का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो एक टीवी शो का है। दरअसल ईरान में खबर उड़ी थी कि तमाम सांसद इस बीमारी का प्रकोप झेल रहे हैं और हालात बद से बदतर हैं। उप स्वास्थ्य मंत्री ने इसे अफवाह करार दिया था और कहा था कि लोग व्यर्थ की अफवाहों से बचें, लेकिन वीडियो में साफ दिखा कि शो के दौरान खुद उप स्वास्थ्य मंत्री की तबीयत नहीं ठीक थी और वो छींकते और खांसते हुए तमाम तरह के सवालों के जवाब दे रहे थे। बाद में उप स्वास्थ्य मंत्री इराज हरी रची ने अपनी जांच करवाई जिसका परिणाम पॉजिटिव आया। ये जानकारी खुद हरी रची ने दी। सिर्फ ईरान के स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं बल्कि मिनिस्ट्री के तमाम नेता इस बीमारी की चपेट में हैं। ईरान में ये लगातार मांग की जा रही है कि जनता अपना ख्याल रखे और मास्क लगाकर बाहर निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टीवी। मौजूदा समय में कोरोना वायरस को लेकर हर तरफ चर्चाएं पूरी तरह से तेज हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वायरस इतना खतरनाक जो है, ये वायरस तेज गति के साथ पूरे दुनिया भर में ये फैलने लगा है। लोग परेशान हैं, कोरोना वायरस को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कोरोना वायरस आखिर है क्या और कैसे बचें इसकी चपेट में आने से। रिपोर्ट देखिए। चीन में तो लेकर इसे हाहाकार मचा हुआ है। इस महामारी के चलते अब तक लोगों में बदहवासी का आलम है, क्योंकि हालात ये हैं कि कोरोना की चपेट में आकर कब किसकी जिंदगी का खात्मा हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। आशंका जताई जा रही है कि चीन में कोरोना वायरस करीब 3 लाख ऐसे लोगों को अपने चपेट में ले सकता है जो इससे पीड़ित लोगों के संपर्क में रहते हैं। लिहाजा इस तरह के करीब 2 लाख लोगों की निगरानी की जा रही है। चीन के 31 प्रांतीय इलाकों में अब तक कोरोना फैल चुका है। कोरोना के कहर के चलते दुनिया भर में संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं।
एशिया से अमेरिका और यूरोप तक इसे लेकर घबराहट फैली हुई है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कोरोना आखिर है क्या। कोरोना वायरसों का एक बड़ा समूह है जो जानवरों में पाया जाता है। पालतू जानवर कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। अभी तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में आया। ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में संक्रमण के जरिए फैलता है। इससे संक्रमण से मरीजों में जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, बुखार, गले में खराश और कभी कभी सर दर्द और शायद बुखार भी शामिल है, जो कुछ दिनों तक रह सकता है। सबसे घातक बात यह है कि संक्रमण बढ़ जाने पर मरीज की मौत भी हो जाती है। वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका भी नहीं बना। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग, यानी जिनकी रोगों से लड़ने की ताकत कम है, ऐसे लोगों के लिए यह घातक है। बुजुर्ग और बच्चे इसके आसानी से शिकार हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी सारी, जब सारा देश मिलकर प्रिकॉशंस लेता है और पैनिक वगैरह नहीं फैलता है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो उसको हम समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको कंट्रोल में रखने में, भारत में ये वायरस ना प्रवेश हो, इसमें कोई किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए देश के लोगों को जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे कैसे रोक सकते हैं? कोरोना वायरस से बचने के लिए कम से कम अभी तक कोई टीका तो नहीं आया है। एमईआरएस वैक्सीन के लिए परीक्षण चल रहे हैं। आप बीमार लोगों से दूर रहकर संक्रमण से अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचने की कोशिश करें। अपने हाथों को अक्सर साबुन और पानी से अच्छी तरह से कम 20 सेकंड तक धोएं। यदि आप बीमार हैं तो घर पर रहें और भीड़ से बचें और दूसरों के संपर्क में ना आएं। जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को ढक लें। सब्जी और फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धोएं। जिन देशों या जगहों पर इस बीमारी का प्रकोप फैला है वहां यात्रा करने से बचें। 2014 के एक अध्ययन से पता चलता है कि गर्भवती महिलाओं में एमईआरएस और एसएआरएस का कोरोना वायरस का अधिक गंभीर असर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतीश टीवी। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार क्यों। एक छोटा सा ब्रेक। एक सपना है नया, बड़ा और बेहतर करने चाहती है जो जनता मीडिया से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से, बस आपके हक और हित की बात हो। देश हित का फर्ज बिल्कुल साफ। उम्मीदें थामनी है, भरोसा जगाना है। हम साथ आए हैं क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है। इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। हर सोच पर, हर खबर पर, हर नजरियों पर दिखता है अक्स। फिर बदलने में क्यों लगे हैं हम? अधूरे सच के साथ क्यों बढ़े हम? ऐसा नहीं करना है। हम पर है आगे बढ़ने की जिम्मेदारी। कंटेंट को समझना होता है, तेजी से सबसे आगे निकलने की चुनौती रहती है। नवतेज टीवी का हिस्सा है हम, वादा है बेहतर करेंगे। नवतेज टीवी न्यूज, भरोसा सच का।
तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इन सबके बीच जो खबर है कि दुनिया भर के देश चीन के वुहान शहर से अपने नागरिकों को निकालने में लगे हैं। भारत ने भी चीन के वुहान से भारत के नागरिकों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया। साथ ही भारत ने मालदीव और बांग्लादेश के नागरिकों को भी एयरलिफ्ट किया। लेकिन चीन को अपना जिगरियार मानने वाला पाकिस्तान अपने नागरिकों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। चीन में फंसे पाकिस्तानी पाकिस्तान को कोसने लगे हैं और कहने लगे हैं कि पाकिस्तान तुम देखो और भारत से सीखो कुछ। रिपोर्ट देखिए। चीन को दुनिया की ताकत कहा जाता है, लेकिन चीन भी हिंदुस्तान के जज्बे को सलाम कर रहा है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान की पुरानी दुश्मनी है, लेकिन आज पाकिस्तान में एक ही आवाज है, हिंदुस्तान से कुछ सीखो इमरान खान। मालदीव हिंदुस्तान की मदद पाकर दंग है, ये हिंदुस्तान का नया रंग है। दरअसल कोरोना वायरस की दहशत लोगों के दिलो दिमाग में पहुंच गई है। चीन के कई शहर में कोरोना वायरस के कारण सन्नाटा पसर गया। ऐसे में हर देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए जी जान लगा रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान ने चीन में फंसे अपने नागरिकों को निकालने में जो फुर्ती दिखाई, उसकी तारीफ पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अपने नागरिकों की फिक्र कोई हिंदुस्तान से सीखे। चीन में मौजूद हर पाकिस्तानी भारत के इस फुर्ती को देखकर अपनी सरकार को कोस रहा है। हम सब पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ उरुमकी में खड़े हैं और मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे आए हुए हैं। कल कोई दो तीन दिन पहले आया हुआ है, तो यहाँ पर जो है हमारी आगे जो फ्लाइट है वो कैंसिल है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान अलाउ नहीं करता, कोई कहता है कि चाइना साउदर्न गवर्नमेंट ने बैन की हुई है। तो यहाँ पे हम सब यहाँ पे स्टक हो गए, बच्चे भी है, फैमिली भी है, अक्सर लोगों की जो है वीजे एक्सपायर हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि कल से जो है आप लोग एयरपोर्ट में ही रहेंगे, तो ये कब तक हम रहेंगे? और हमारी अगर स्क्रीनिंग भी की जाए तो वो भी ठीक है, मगर यहाँ हम यहाँ से वेट किया जाए। बाजे लोगों के पास पैसे भी नहीं है, यहाँ पे हमारे खर्चे हो रहे हैं। अपने नागरिकों के लिए जान पर खेल जाना हिंदुस्तान की पहचान है। कई मौकों पर भारत की सरकार ने अपने नागरिकों को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। एक बार फिर हिंदुस्तान ने साबित कर दिया कि अपने नागरिकों की कीमत उसे बखूबी पता है, और ऐसे हालात में अपने पड़ोसी देशों की मदद करना भी भारत अपना धर्म समझता है। एयर इंडिया के जरिए भारत ने अब तक चीन के वुहान में फंसे सैकड़ों भारतीयों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया। साथ ही अपने पड़ोसी देश मालदीव और बांग्लादेश के नागरिकों को भी एयरलिफ्ट किया। इन टोटल वी ब्रॉट बैक 195 इंडियन नेशनल्स एंड 41 फॉरेन नेशनल्स, एंड इफ वी इंक्लूड द टू फ्लाइट्स व्हिच वी हैड यूज्ड अर्लियर फ्रॉम वुहान, इट टेक्स द टोटल नंबर ऑफ इंडियंस व्हिच वी इवैक्यूएटेड टू 842 एंड द फॉरेन नेशनल्स टू 48. Two points I would like to highlight before I just give you a little bit of details about the entire evacuation process. The first is our willingness to accommodate nationals from other countries in the evacuation process. हाल ही में जापानी शिप में फंसी भारतीय लड़की सोनाली ठाकुर ने भी मोदी सरकार से बचाने की गुहार लगाई। सोनाली ने भी वीडियो कॉल के जरिए अपनी बात रखी और बताया कि अभी उनके टेस्ट हुए हैं और रिजल्ट अभी भी निगेटिव है, लेकिन अगर वो ज्यादा दिन तक इसी अवस्था में रही तो उसे भी वायरस जकड़ सकता है। वहीं क्रूज पर 200 से अधिक लोगों को कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया। इस क्रूज पर 3000 से ज्यादा लोग हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे लिए कुछ हेल्प भेजे। हम इस शिप पे हैं, हमें अब तक इसी शिप पे रखा गया है और हमारे टेस्ट भी कंप्लीट नहीं हुए। हम सारे क्रू मेंबर अभी भी हेल्प की इंतजार कर रहे हैं। हम सारे क्रू मेंबर अभी भी वेट कर रहे हैं कि हमारे टेस्ट्स हो और हमें अलग कर दिया जाए। हमें कुछ दिन पहले ये न्यूज मिली है कि सारे के सारे पैसेंजर जब डिसएम्बार्क हो जाएंगे उसके बाद हम क्रू मेंबर का क्वारंटीन पीरियड शुरू होगा, वो भी यही इसी शिप पर। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक सेफ एनवायरमेंट में ले जाया जाए जहाँ हमारा क्वारंटीन हो, हमें वापस इंडिया बुलाया जाए और वहाँ हमारा क्वारंटीन हो। मालदीव के लोगों को बाहर निकालने के लिए मालदीव ने भारत का आभार जताया। भारत के इस कदम के लिए खुद मालदीव के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री
एह जयशंकर का आभार जताया। यानी हिंदुस्तान ने एक बार फिर से दिखा दिया कि अपने नागरिकों को मुश्किल हालातों से कैसे निकाला जाता है। साथ ही हिंदुस्तान ने यह भी बता दिया कि केवल उसे अपने नागरिकों की ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश के लोगों की भी फिक्र है, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। विदेश मंत्री एह जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि हमने तमाम पड़ोसी देश के छात्रों को वहां से निकालने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मालदीव के साथ और बांग्लादेश के एक नागरिक ने ही हमारे प्रस्ताव को स्वीकारा, जिसके बाद हमने उन्हें अपने देश के नागरिकों के साथ भारत लाया। एह जयशंकर ने यह भी कहा कि अभी भी पाकिस्तान अगर भारत से इस संबंध में कोई मदद मांगता है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। Regarding the question regarding Pakistan, at the time when our two flights were going, we had told all the students and the larger community in Wuhan that we were prepared not only to bring back our own people but bring back all the people in our neighborhood who would like to come back. Good. So this was an offer which was made to all our neighbors. देखिए फिलहाल तो पाकिस्तान सरकार की तरफ से ऐसा कोई हमारे पास रिक्वेस्ट आया नहीं है, बट अगर ऐसी सिचुएशन बनती है और अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हम इस पर जरूर विचार करते हैं। दरअसल पाकिस्तान चीन की चाकरी में अंधा हो चुका है, उसे अपने नागरिकों से ज्यादा चीन से वफादारी की फिक्र है। तभी चीन में फंसे पाकिस्तानी इमरान खान को अब कोसने लगे हैं। पाकिस्तान के जितने भी खौफजदा तालिबे इल्म वुहान शहर के या उस चाइना के अंदर मौजूद हैं वो वहाँ पर ही रहें, उनको वहाँ से नहीं निकाला जाएगा। ये हेडलाइन सुनने के बाद तो यकीन माने पहले तो ये फीलिंग थी कि लावारस हैं, हमारे पीछे कोई मुल्क है ही नहीं है, हमारे पीछे कोई सोर्स है ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से ऊपर मरीख से आए आके इधर फंस गए चाइना में, कि मतलब यार हमारे पीछे कोई स्टैंड लेने वाले नहीं है। इस बात से क्या हम इंडिकेट करेंगे यार, सिंपल हम लावारस हैं, हमारे पीछे कोई मुल्क नहीं है। हर हुकूमत से अपील करते रहे चार दिनों से, वो आगे से ये कह रहे हैं कि हुकूमत अभी जो पूरे पाकिस्तान मीडिया में इनकी न्यूज़ चल रही हैं कि WHO ने इनको मना कर दिया है कि वो वहाँ से नहीं लाए जाएं जितने भी हम लोग यहाँ पर हैं। जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी को पता चला कि पाकिस्तान के नागरिक भी वुहान में फंसे हैं और वो मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, तो उनकी मदद करने के बजाय वो मोहम्मद पैगम्बर का संदेश भेजने वाले मैसेंजर बन गए। उन्होंने एक बात ये साफ कह दी, वो मदद नहीं करेंगे, पाकिस्तानी नागरिकों को नहीं निकालेंगे। आरिफ अलवी ने ट्वीट करके वहाँ फंसे पाकिस्तानी नागरिकों से कहा कि अदीस के बारे में क्या कहेंगे, जो कहता है कि जब भी वो कहीं जिंदगी बचाने का कोई विकल्प दिखे तो उसे बचाएं, हमें यहाँ मारने के लिए मत छोड़ें। दुनिया में और भी मुस्लिम देश हैं जैसे जॉर्डन और सऊदी अरब जो अपने लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं। ये आज जा रहे हैं जॉर्डन वाले भी। सो ब्रदर, सो यू आर गोइंग टुडे टू योर कंट्री, यू आर गोइंग बैक टू जॉर्डन? आई विल गो टू माय कंट्री जॉर्डन टुडे। या सो ब्रदर, कैन यू रिपीट योर कंट्रीज नेम? जॉर्डन। जॉर्डन, या। यही नहीं, पाकिस्तान इस पर भी झूठ की राजनीति कर रहा है। एक तरफ चीन में फंसे पाकिस्तान के छात्र अपनी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, तो एक तरफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं है, वहाँ के छात्रों को कोई समस्या नहीं है। वहाँ यूनिवर्सिटीज की कैंटीन खुलती है 2 घंटे के लिए और ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं फूड। अभी तक जितना हमारा सारे स्टूडेंट्स जो वुहान में रापता है उनको कोई मसला नहीं है। बात भले ही कोरोना वायरस के बीच फंसे पाकिस्तानी नागरिकों को निकालने की हो या कारगिल में अपने ही जवानों का शव लेने की हो, पाकिस्तान की फितरत ही है मुकरने की। पिछले दिनों सीमा पर जब गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान मारे गए थे तो पाकिस्तान ने उन्हें भी अपना मानने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के लिए उसके नागरिक या सेना के जवान सिर्फ प्यादे भर हैं, जिन्हें वो दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटता। अपनी राजनीति और स्वार्थ के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, और अब चीन से अपने ही नागरिकों को नहीं निकालना पाकिस्तान की असलियत का पर्दाफाश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टीवी। देश और दुनिया में समय समय पर खतरनाक वायरसों का आगमन होता रहता है। जब आते हैं तो चारों तरफ ये भयंकर दहशत का माहौल फैलाते हुए कईयों की जिंदगियां ये लील कर चले जाते हैं, पहले भी आए खतरनाक वायरसों की तरह। इस वक्त भी पूरी दुनिया में कोरोना ने दहशत फैलाया हुआ है। उम्मीद यही है कि सरकार लोगों के लिए एडवाइजरी लगातार जारी करेगी, उपाय सोचेगी, जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे कि ताकि कैसे इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
एक सपना है, नया बड़ा और बेहतर करना चाहती है जो जनता मीडिया से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से, बस आपके